नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल में आपका स्वागत है। मैं आज हरदी मेला मुजफ्फरपुर बिहार में आया हूं और इस यहां पे घोड़ों का मेला लगा हुआ है। तो यहां आया मैंने तो हमारी मुलाकात बिहार के जाने माने सवार राजेश जी से मुलाकात हो गई। तो हम राजेश जी से कुछ बात करते हैं यहां के मेला के बारे में और यहां जो घोड़े किस टाइप के घोड़े जुटते हैं। तो राजेश जी ये बताइए, आप कब से इस मेले में आ रहे हैं? अभी मेला में 2011 से आए। जी जी, 11 से आए तो वहाँ खगड़िया के लोग बच्चा उच्चा लाते थे, अपना बेचते थे। जी जी, छोटा सा भी या किसान अपना ला के देते थे। जी जी, बाहर के घोड़ा यहाँ नहीं आता था, अच्छा घोड़ा नहीं आता। जी जी, हमारे अपना पंडाल हरनाम सब कुछ सोनपुर से स्टार्ट किए। जी, उसके बाद यहाँ अपना सब और व्यवस्था, अपना पंडाल उंडाल लगाया, घोड़ा अच्छा से रखे, तो भी बाद में रेस भी वहाँ उस साल स्टार्ट किए हम। जी, यहाँ के घोड़ा खरीद के थे, रेसो जीते हैं यहाँ। जी जी, हाँ, रेस भी कराते हैं, बहुत ढंग से रेस यहाँ होता जी है। जी जी, यहाँ हमने सुना है कि यहाँ रेस जो होता है बहुत ही अच्छा, और आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े भी यहाँ आ रहे हैं रेस लड़ने के लिए। और एक मेला, एक बिहार का नामी मेला हो गया है हरदी मेला घोड़ों के मामले में। तो यहाँ आप कितने घोड़े लेके आए हैं? हम सर घोड़ा लेके आए हैं यहाँ 6 घोड़ा। 6 घोड़ा, तो आप कुछ तो अपने खरीद बिक्री के लिए लेके आए हैं, कुछ घोड़ा आप दौड़ रेस लड़ाने के लिए भी लेके आए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी लेके आए हैं। तो आप हमको अपने जो भी आपसे रिलेटेड घोड़ा है सबको दिखाएं चल के, और उसके बारे में पूरा बताएं। अच्छा, ये घोड़ा जो है शिवानंद जी का जो है नालंदा का घोड़ा है, जो बालोतरा से अभी आया था पिछले साल। अभी 2 दांत घोड़ा है और इसके बारे में काफी चर्चा है कि घोड़ा काफी अच्छा चलता है। अगर संभव हुआ तो कल हम आप लोगों को अगले दिन वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे इसका, इस घोड़े का प्रयास करेंगे। और ये घोड़ा आप देख रहे हैं 2 दांत का बच्चा है अभी और काफी अच्छा चलता है। और इसके बाद एक बगल में वो घोड़ा है, वो किसका घोड़ा है? वो भी शिवानंद जी का ही घोड़ा है और इसको देखेंगे हम लोग। ये क्या इसका उम्र है? 2 दांत। ये भी 2 दांत का घोड़ा है और ये चौताला चलता है कि सिंधी? ये चौताला चलता है, और जो पहले घोड़ा मैंने दिखाया वो सिंधी चलता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं घोड़े को, और आगे और दिखाइए कहाँ है, कौन सा घोड़ा और है आप जो लेके आए हैं यहाँ पे। जिस ये घोड़ा कहाँ का है और इसके से आया था? बछवाड़ा। अच्छा, चढ़ते थे पहले। जी जी के। जी जी, वही मौनी बाबा। अच्छा, मौनी बाबा का घोड़ा है, मौनी बाबा है इनका। अच्छा, इस घोड़ा का नाम है मौनी बाबा। तो ये मौनी बाबा घोड़ा का नाम है और ये काफी अपने जमाने का नामी घोड़ा रहा है। तो आइए हम ये घोड़ा, अभी इसके मालिक कौन है? अभी मालिक हम हैं। अच्छा, ये राजेश जी ने खरीद के लिया है इस घोड़े को और ये खुद लेके आए हैं। ठीक है, अगला घोड़ा। और ये 2 घोड़ा देखिए, एक घोड़ा ये 11 महीने का बच्चा है, अभी छकड़ी बच्चा है और काफी अच्छा पैर इसका है, पैर निकाल दिया है घोड़ा और काफी अच्छा चलता है। तो इस घोड़े के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ये काफी अच्छा घोड़ा है चलने में भी, तो इस घोड़े को आप लोग देख लें। और इसके बगल में एक और ये घोड़ा है, ये 2 दांत का घोड़ा है और 35-36 घोड़ा चलता है। 2 दांत से 4 अब हो रहा है, अब 4 हो रहा है। और ये भी घोड़ा राजेश जी का ही है और ये घोड़ा काफी अच्छा देखने में लग रहा है, नस्ल का है। ठीक है, और आगे। ये घोड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, मेरा ही घोड़ा था जी, ये राजेश जी ने ही, राजेश जी ने ही पिछले साल हरदी मेला से ही ये दुर्गा आर्म्स दुकान दरभंगा लहरिया सराय दरभंगा के जो मुन्ना जी हैं उन्हीं का घोड़ा है। और ये अभी 2 दांत हो रहा है घोड़ा,
और काफ़ी अच्छा चाल है, 3334 अभी चल रहा है घोड़ा और ये काफ़ी अच्छा है। ये मुन्ना जी का घोड़ा है दरभंगा जी, ठीक। और हम और बाकी जो है एक ये राकेश जी का घोड़ा है, ये अभी छकड़ी घोड़ा है और अच्छा चलता है घोड़ा, और इसके मालिक जो है राकेश जी हैं। ये राजेश जी से ही मतलब घोड़ा लिया हुआ है, इन्होंने राजेश जी से ही घोड़ा लिया है और काफी अच्छा चलता है, और ये राजेश जी के मित्र हैं और सवार भी हैं, ठीक है ठीक। और हम आपको और मेले का रिव्यू दिखा रहे हैं जो यहाँ हरदी मेला में क्या क्या है। ये जो यहाँ हरदी मेला में घोड़ों के लिए व्यवस्था है, टेंट पंडाल लगा के, और ये जो देखिए बैनर पोस्टर लगा के पूरा विधिवत में इन लोगों का है। तो मैं आपको अब हरदी मेला दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे है। अच्छा, ये घोड़ा जो आप देख रहे हैं राम बाबू यादव जी का है जी, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पचटक्की जिला, हाँ जिला शिवहर सीतामढ़ी जिले का ये घोड़ा है। क्या उम्र है अभी इस घोड़े का? क्या उम्र है इस घोड़े का? जवान है, आइए ना भाई। ये मुखिया जी यही है, इन्हीं का ये घोड़ा है। आप अपना पूरा परिचय दे मुखिया जी। मेरा नाम राम बाबू यादव हुआ जी जी, बरगिनिया पस्ते की जो दो मकान हुआ जी, जिला सीतामढ़ी हुआ जी जी, चकिया टोल प्लाजा मेरा है जी जी, चकिया टोल प्लाजा के ओनर हूँ जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और हम जाते रहते हैं चकिया मधुबन इधर सब जाते रहते हैं जी जी। ठीक है, इंडियन हॉर्स, हाँ, हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल यूट्यूब पे इनको देख रहे हैं जी। नाम पूछिएगा इनका तो नाम भी बता देंगे, हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल। हाँ, बुलेट राजा घोड़े का नाम मैंने बता दिया, राजेश जी जी, बुलेट राजा है, और राजेश यादव हमारे छोटे भाई हैं जी जी जी, मेरे अनुज हैं वो जी जी। तो ये कहाँ के हैं मुखिया जी? अच्छा, ये हरदी मेला मालिक का ये टेंट है, इसमें देखिए कितने घोड़े हैं, ये सब मुखिया जी का घोड़ा है, और ये एक घोड़ी है इनके पास, काफी चलने वाली घोड़ी है। हाँ, ये काफी अच्छी चलती है घोड़ी, और ये देखिए घोड़ी है, अभी तुरंत रेस ही शायद जीती है, कोटवा में रेस हुआ था उसमें ये प्रथम रही है घोड़ी। और ये जो देखिए मुन्ना सिंह जी का ये सब घोड़ा है, मंटू सिंह जी का ये मंटू सिंह जी का घोड़ा है, इस भी ये टेंट में सारा सब मंटू सिंह जी का ही लगा है। तो देख सकते हैं आप लोग घोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं, 1-8 घोड़े हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान हैं, हर एक प्रकार के घोड़े हैं मुखिया जी के पास। और मैं मुखिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेला में इतना पाल देता है, घोड़ी पाल देता है, राजस्थान से मुखिया जी 5 घोड़ा थे। अच्छा जी जी, और ये मुखिया जी मेला में काफी अच्छा व्यवस्था किए हैं। तो और भी हम लोग चलते हैं आगे, मेला देखते हैं कहाँ कैसे क्या है मेला में व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोग आज घूम के देखेंगे। और ये सब देखिए बाहर के लोग, व्यापारी और गृहस्थ लोग आए हैं, घोड़ा लेके बच्चे लेके आए हैं लोग, सब लोग लगाए हैं। ये कहाँ का टेंट है, कहाँ का टेंट है ये भाई साहब? ये कहाँ के घोड़े हैं सब, कहाँ से आए हैं? खैरा जिला कौन सा? मुजफ्फरपुर खैरा का ये सब टेंट है, इसमें देखिए घोड़े, ये सभी आप ही के, आप लोग गृहस्थ हैं या व्यापारी? घोड़ा खैरा वीरेंद्र राय जी जी, भूटारा हुए बसरा के जी जी,
ये सारे घोड़े आप लोग गृहस्थ के ही है जी जी। आप का नाम जी जी, आपका नाम क्या हुआ? श्याम यादव जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोतीपुर के रहने वाले हैं। ये सवार हैं और घोड़ा इधर फेरते हैं और ये घोड़ा को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा ट्रेनर है तो राजेश जी के हम चेला हुए। राजेश जी के आप चेला हुए जी। चलिए चलिए ठीक है भाई, गुरु चेला दोनों लोग मिल गए आप लोग। मुखिया जी का भी घोड़ा ले रहे हैं।